और अब बात महंगाई से परेशानी की। देखिए, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर बढ़ती जीएसटी से हम आप सब परेशान हैं। महंगाई से आम जनता परेशान है ही, लेकिन मंत्री भी महंगाई से परेशान हैं। मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला में एक भुट्टे की कीमत सुनकर चौंक गए। वो मंडला जा रहे थे, तभी सड़क के किनारे एक युवक भुट्टा बेचता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मंत्री जी ने गाड़ी रुकवाई और भुट्टा खरीदने के लिए गाड़ी से उतर गए। तो सबसे पहले सुनिए किस तरह भुट्टे की कीमत सुनकर मंत्री जी चौंक पड़े। थोड़ी नमक लगा करके तो पेपर है, कुछ लपेट के देना। कितना हो गया? 45 रुपये। इतना महंगा देती? 15 रुपये का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं, 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 नहीं। तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई। 5 रुपए का खरीद के का नाम है तेरा? धर्मेन बेटा राम, तुम 15 रुपये में बेचते हो क्या? केल कीजिए है कितना कीजिए है भुट्टा? हाँ, केलो में क्या भाव बेचते? तो सुना आपने मंत्री जी को, उस भुट्टे वाले से उसकी बातचीत, किस तरह से भुट्टे का दाम सुनकर चौंक गए मंत्री जी। अब सवाल बड़ा ये है कि एक तरफ खाने पीने की चीजों पर जीएसटी बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री जी को अंदाजा ही नहीं कि जो आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो किस रेट पर मिल रही है, इसीलिए वो चौंक गए। इस दौरान उन्होंने युवक से भुट्टे की कीमत पूछी। युवक ने 3 भुट्टे सेके हुए थे। मंत्री जी से जब कीमत पूछी तो युवक ने 45 रुपये बताई। इस पर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 45 रुपये इतना महंगा दे रहे हैं। युवक ने मंत्री को बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि आप सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी देखकर हमने ये दाम बताया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मंत्री जी बोल पड़े कि यहां तो फ्री में मिलता है। ये सुनकर युवक हंसने लगा और बोला, फ्री में नहीं, 5 रुपये में खरीद कर लाते हैं। अब सोचने वाली बात यह कि जिस महंगाई से हम आप परेशान हैं उससे मंत्री भी परेशान है, या तो परेशान है या अनजान।